हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं घर पे लाल मिर्च को कैसे पीसते हैं ये बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इधर लाल मिर्च लिए, ये साबुत लाल मिर्च है। अक्सर हम बाजार से पिसी हुई मिर्च लेके आते हैं, जिसमें बहुत सारा कलर और मिलावट होती है। यदि आप इस तरह से घर पे लाल मिर्च पीसेंगे तो आप मिलावट से और आपको पैसों की भी बचत होगी। ये बाजार से सस्ती पड़ती है और हमें बिल्कुल शुद्ध चीज़ मिल जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैंने लगभग आधा किलो सूखी लाल मिर्च ली है। मैंने इसे एक बर्तन में डाल लिया है और अब मैं इन्हें धूप में रख दूंगी। धूप में रखने से जो इनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत आराम से पिस जाएगी। तो इन्हें आप तेज़ धूप है तो 2 या 3 घंटे सुखा सकते हैं। वैसे तो ये सूखी हुई है, लेकिन इनका मॉइस्चर निकालने के लिए आप टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के धूप भी लगा सकते हैं। आप इन मिर्च को घर पे ही पीसे। यदि आप दुकान पे भी पिसवाने जाओगे तो आप देख सकते हो इनमें कितने नक्कू हैं। दुकान वाला इन नक्कू के सुधा ही मिर्च को पीस के देता है, इन्हें अलग नहीं करता है। तो हो सके तो अपने घर पे ही इन्हें पीसना, ताकि आपको बिल्कुल शुद्ध चीज़ मिल सके। तो अब मैं इन्हें धूप लगाने के लिए छोड़ दूंगी 2 या 2 से 3 घंटे के लिए। देखिए, हमारी मिर्च धूप में से सूख के आ चुकी है। अब हम इन्हें पीसेंगे। आप देख सकते हैं ये आराम से टूट रही है। हम इनके जो ये नक्कू हैं इन्हें अलग कर लेंगे। तो चलिए, देखिए मैंने इतनी मिर्च के नक्कू तोड़े हैं और इसमें से इतने नक्कू निकले हैं। आप देख सकते हैं, यदि आप बाजार में पिसवाते तो ये नक्कू इन सब के साथ में पिस के आते। इन मिर्च के नक्कू मैं बाद में तोड़ लूँगी। अब मैं लेती हूँ एक मिक्सी जग। देखिए देखिए, अब ये जो लाल मिर्च है, अब मैं इन्हें इस जग में डाल दूँगी। इतनी ही डाल लूँगी जो इस जग में आ जाए। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी। देखिए, हमारी लाल मिर्च पिस चुकी है, लेकिन हम इसका ढक्कन कुछ देर बाद खोलेंगे, ताकि जो मिर्च की धांस है वो ना उड़े। तो 1 मिनट रुक जाते हैं हम। देखिए, अब हम ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं, देखिए हमारी मिर्च कितनी बारीक पीस के तैयार हुई है। और ये हमारी मिर्च बहुत ही चरचरी है। आपका लगभग मिक्सी में पीसने का 10 से 15 सेकेंड लगेंगे, यदि आपने अपनी मिर्च को धूप में सुखाया है तो। यदि आपने धूप में नहीं सुखाया है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन देखिए आपको बिल्कुल शुद्ध चीज़ मिलेगी। यदि आप इस तरह घर में मिर्च पीसेंगे, मिलावट का कोई चांस नहीं है, तो आप इस तरह एक बार मिर्च पीसें। और यदि आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।